स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला किस हिसाब से आता है, देखो। सपोज एक लाइन सेगमेंट्स है ए बी, ठीक है। ये है ए बी, ऑब्वियसली ए बी टू पॉइंट्स है, तो ए बी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट्स को कोई भी एक पॉइंट बीच में अगर डिवाइड्स करता है, सपोज ये पी है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड्स करेगा ये दो लाइन को, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये इसको दो रेशियो में डिवाइड करेगा। एक पार्ट है ये वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट्स को दो पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो दो पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट का मेजरमेंट हम लोग क्या लेते हैं, एक रेशियो में लेते हैं। रेशियो मतलब सपोज ये दोनों पार्ट का रेशियो है एम, इसका है एम, मतलब एम इज टू एन। ये रेशियो मतलब क्या है, रेशियो मतलब कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो मतलब है कि एक वैल्यू का ये इसका मेजरमेंट, मतलब इसका मिनिमम मेजरमेंट है, ये है उसका रेशियो, ओके। अब ये जब डिवाइड कर रहा है इस रेशियो को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का देखो, एक्स का भी एक कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली एक्स वन वाई वन, एक्स का हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। वाई बी का भी एक कोऑर्डिनेट होगा, एक्स टू वाई टू, क्योंकि ये तो पॉइंट लो लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग के कोऑर्डिनेट के पॉइंट में देखे कि दो कोऑर्डिनेट रहता है, तो उसका एक स्ट्रेट लाइन हम लोग उसका फॉर्मूला में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट में ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, इसका सपोज कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई, ठीक है। तो जैसे कि ये पी ए बी के मिड पॉइंट से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कर बोले जाते हैं इसको इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब अगर सपोज एक दूसरा पॉइंट है ए ए बी, ठीक है, एक पॉइंट है, ये है ए का पॉइंट, ये है बी का पॉइंट, इसको एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं पी, सपोज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, रेशियो मतलब क्या है, डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे रेशियो किस हिसाब से आता है, इसका जो एम एंड एन जो रेशियो हमने लिए थे, तो एम किसका वैल्यू है, ए पी, एंड एन वैल्यू किसका था, पी बी। वैसे ही उसी हिसाब से आप इसी हिसाब से देखो, पी यहाँ पे ए बी एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट्स है, और ये पी है इसका बाहर का एक पॉइंट, ठीक है। तो बाहर का पॉइंट मतलब इसको बोले जाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पे ये जो ए पी है इसको हम लोग लेते हैं एम, एंड ये जो बी पी है इसको लेंगे एन, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन अगर होता है तो वो जो रेशियो में डिवाइड करता है वो है ए पी इज टू बी पी, मतलब एम इज टू एन। तो ये हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम सेक्शन फार्मूला का जो मेन पॉइंट है वो है कि ये जो इंटरनल पॉइंट पी और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है हम लोगों का सेक्शन फार्मूला का यूजेस, मतलब विथ सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एनी लाइन सेगमेंट्स इनटू ए गिवन रेशियो, वेदर इट इज इंटरनली और इट इज एक्सटर्नली। तो कैसे निकाला जाता है देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इंटरनल डिवीजन, लेट पी एक्स वाई, ये एक पॉइंट है पी, एंड क्यू एक्स वाई, पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई दो पॉइंट है, आर टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, ये एक पी ये एक क्यू, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, क्यू का है एक्स टू वाई टू। एम बी द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट्स, ये एम पॉइंट क्या है, ये लाइन सेगमेंट्स को दो पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट में मतलब कौन सा दो पॉइंट में,
एक है हम लोगों का एम पॉइंट और दूसरा है यहाँ पे हम लोगों का एन पॉइंट। एक है एम रेशियो, एक है एन रेशियो, दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एम बी द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू इंटरनल इन द रेशियो एम इज टू एन। मतलब ये वाला पार्ट एम, मतलब पी एम इज टू, इसका मतलब क्या है, पी एम इज टू क्यू एम इक्वल्स टू एम इज टू एन। ठीक है, तो ये है रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, तो हम लोगों को चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू किस हिसाब से आता है, देखो एक बार ये फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। ये फार्मूला में क्या आएगा कि एम के साथ हमेशा एक्स टू वाला पॉइंट, मतलब उसका राइट साइड में जो वैल्यू है, मतलब दूसरे वाला पी साइड, पी किसके नियरेस्ट पॉइंट है एक्स वन वाई वन पर, वो मर्ज होगा एक्स टू वाई टू के साथ। एंड एन किसका नियरेस्ट है एक्स टू वाई टू, एन आएगा पी के साथ, मतलब एम इंटू एक्स टू। जब एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में आएगा तो एम के साथ एक्स टू इंटू होगा एंड एन के साथ एक्स वन, मतलब एम ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होगा रिवर्स है। तो फिर एम के साथ एक्स टू, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन, नीचे क्या आएगा एम इंटू एन। एंड सिर्फ वाई उसी तरीके से एम के साथ होगा वाई टू वाला पार्ट एंड एन के साथ होगा वाई वन वाला पार्ट, मतलब एम के साथ इधर का एन के साथ इधर का, ये सिर्फ याद रखना। ठीक है, एम इंटू एक्स टू, एम के साथ एक बार एक्स वन, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या आएगा, कैसे निकल आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एंड वाई के लिए एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का इंटरनल डिवीजन के जो पॉइंट एक्स वन एम पी क्यू सेगमेंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और एक्सटर्नली, एक्सटर्नली अभी हमने मैंने बोली थी कि एक्सटर्नल होगा जो जिस पॉइंट में डिवाइड करेगा वो बाहर होगा, ए और बी लाइन सेगमेंट्स के अंदर में नहीं होगा। और इसका रेशियो होगा ए एम इज टू बी एन। तो अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसके बाहर रहता है तो उसका फॉर्मूला इंटरनल जैसे वैसे ही होगा, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या होगा। पर ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर हम लोग एम एक्स एम पहले लिखे हैं तो नीचे एम माइनस एन, मतलब ऊपर पहले एम माइनस एन एक्स वन तो नीचे भी एम माइनस एन होगा। अगर तुम लोग n माइनस एम लिखोगे तो साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर m पहले एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन तो डिवाइडेड पर एम माइनस एक्स वन। अगर तुम लोग पहले एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू लिखते हो तो फिर नीचे लिखना n माइनस एम, मतलब जो पहले n होगा तो n पहले n माइनस एम, अगर m लिखोगे तो n माइनस एम। पर ऑब्वियसली ये बात है कि एम के साथ एक्स टू आएगा और एन के साथ एक्स वन आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस में आएगा, बट फॉर्मूला सेम है। अगर ये अगर लाइन सेगमेंट्स है हम लोगों के, सपोज ये लाइन सेगमेंट्स है ए बी, और ये जो पी पॉइंट में डिवाइड हो रहा है ये एक्स वाई, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, ये इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होगा क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली इंटरनल ही होगा। अगर पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये जो रेशियो है एम इज टू एन, तो इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मिड पॉइंट मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी होगा। पी अगर मिड पॉइंट है तो फिर ए पी इक्वल्स टू ये वैल्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। दोनों का वैल्यू सेम मतलब इसका जो रेशियो है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, वन आएगा। ठीक है, ए पी बाई पी बी, पी बी को अगर नीचे ले आए तो फिर क्या होगा, वन आएगा। अब इक्वल्स टू क्या है, ए पी का मतलब इसका रेशियो एम बाई एन
मतलब एम बाई एन, मतलब एम बाई एन रेशियो भी क्या होगा, वन आएगा। मतलब ये भी वैल्यू वन, ये भी वैल्यू वन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ़ एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब ये अगर मिड पॉइंट होता है देन एम इज टू एन वन इज टू वन, यह होगा। तो ये अगर वन होगा तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी वन, ये भी वन, ये वन प्लस वन क्या होगा टू, और वन प्लस वन मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन, यही है। तो पर अगर ये मिड पॉइंट है तो एम और एन का वैल्यू क्या है, वन वन, मतलब एम अगर वन है तो फिर यहाँ क्या होगा एक्स टू प्लस एक्स वन, नीचे क्या होगा वन प्लस वन मतलब टू, ये एक्स का वैल्यू आएगा। अगर मिड पॉइंट होगा तो, अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो फिर ये वन वन नहीं होगा, ठीक है, मतलब रेशियो सेम नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से ये y का वैल्यू भी क्या होगा, y हम लोग क्या जानते हैं कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, तो एम है वन, एन है वन, वाई टू प्लस वाई वन बाई टू, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा ये, मतलब अगर किसी भी लाइन का मिड वैल्यू निकालना है तो फिर क्या होगा, तो फिर कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एंड वाई का इस फॉर्मूला से, और अगर मिड वैल्यू नहीं है तो फिर रेशियो दिया रहेगा, तब हम लोग इंटरनल होगा तो इस फॉर्मूला और एक्सटर्नल होगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तुम लोगों को कॉपी करना है।